पर जहां पर समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि आपके खिलाफ रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, आपकी पार्टी की तैयारी है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो बातें हैं वो हवा हवाई हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे 2017 में 300 पार थी, वैसे ही 2022 के चुनाव में भी 300 पार हम लोग होने जा रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से होने जा रहे हैं और जनता के समर्थन से होने जा रहे हैं। इस चुनाव को भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि जनता अपने हाथों में लेकर के भाजपा का कमल खिलाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। इसलिए विपक्ष में बौखलाहट है, विपक्ष में घबराहट है। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे, अब वो 40 जीतेंगे कि 50 जीतेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहे। जी केशव प्रसाद मौर्य जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश है, आपके विरोधी कह रहे हैं अगर भाजपा इतनी ही कॉन्फिडेंट है, बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट है तो फिर ध्रुवीकरण की कोशिश क्यों की जा रही है, जालीदार टोपी क्यों याद आ गई, जिन्ना पर क्यों चली गई, पाकिस्तान पर क्यों चली गई, हिंदुत्व पर क्यों आ गई, मथुरा क्यों याद आ गया? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिन मुद्दों को लेकर के सामने आना चाहते हैं उन मुद्दों को उन्होंने स्वयं उठाने का काम किया है। हम तो विकास और सुशासन के मुद्दे पर ही इस चुनाव को लड़ रहे हैं, हम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव को लड़ रहे हैं। हम गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव जीते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव जीते थे, दंगागर्दी के खिलाफ चुनाव जीते थे और आप जिन लोगों ने इसके पक्ष में लड़ाई लड़ी थी उनको जनता ने 2014 में उखाड़ करके फेंक दिया, 2017 में उखाड़ करके फेंक दिया, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सारे लोग एक साथ हो गए तब भी भाजपा को 64 सांसद मिलता है, 51% वोट मिलता है, इनको सबको पता है क्योंकि जनता को, जैसे मोदी जी हैं दिल्ली में तो मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो मुमकिन है और बीजेपी है तो भरोसा है, यह लोगों का मानना है और इसके कारण से भाजपा का निरंतर समर्थन बढ़ा है, निरंतर ताकत बढ़ी है और इसलिए 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। नहीं लेकिन सर, जो आपके विरोधी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि गर्मी शांत करने की नौबत क्यों आ गई, मई जून में शिमला बनाने की नौबत क्यों आ गई? लेकिन जो अपराधी, जो ये कोई ऐसी बातें नहीं, कोई गुंडागर्दी करेगा, चुनाव का समय है, अपराध करेगा तो ये समझता है कि इस समय चुनाव आचार संहिता चल रही है, चुनाव आयोग के निर्देश पे सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं तो इस समय हम सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, लेकिन कोई ये समझे कि अब चुनाव का समय है, जो भी मन में आएगा वो करेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। अगर सराफत से जो भी जीवन जीना चाहता है उसके सुरक्षा की गारंटी भाजपा है, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी बीजेपी है और 24 करोड़ लोगों के लिए खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उसमें सपा, कांग्रेस भी शामिल, बसपा भी शामिल है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी, लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप तो डर वाली राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को खौफ दिखा रहे हैं, आप उन्हें डराने वाली सियासत कर रहे हैं, जब आप ये कहते हैं गुंडे आ जाएंगे, माफिया आ जाएगा। नहीं तो हम गुंडों के खिलाफ गुंडों की को शरीफ आदमी बताएंगे क्या, दंगाइयों को कहेंगे क्या, उस समाज में समरसता लाने का काम कर रही है बताएंगे क्या? और जो बातें हम कह रहे हैं उसको हम नहीं कह रहे हैं, मैंने कहा जनता कह रही है, जनता लड़ रही है, जनता इस चुनाव में भाजपा का प्रचार कर रही है और इसी से सपा वाले घबराए हैं, बसपा वाले घबराए हैं, कांग्रेस के लोग घबराए हैं और इनके गठबंधन के लोग घबराए हैं। भाजपा के पक्ष में आंधी चल रही है और उस आंधी का मुकाबला ये नहीं कर सकते। जी तो ये गर्मी किसकी उतार रहे हैं सर, ये पूछ रहे हैं, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। इस समय आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, हालांकि इस वक्त आप दुनिया भर में देखे जा रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। जो करोड़ों लोग देख रहे हैं वो जानते हैं गर्मी किसकी उतारी जाएगी। जो अपराध करेगा, समाज के अंदर वातावरण को खराब करेगा, समाज को भयाक्रांत करने का काम करेगा और जो पार्टी जेल में बंद लोगों को टिकट देगी, जिनके कारण कैराना जैसी घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश से लोगों को छोड़ करके जाना पड़ा, ऐसे नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप कैसे रहेगी? हमारा दायित्व तो है कि इनके कारनामों को, काले कारनामों को जो इन्होंने किए अपने शासन के दौरान, उसको हम जनता को बताएं, वही हम बता रहे हैं। इसी से इनको परेशानी हो रही है, इनको तो लगता है मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, जो उस दंगे के अंदर संरक्षण सरकार का हुआ, जो दंगाइयों को सरकारी जहाज में बैठा करके मुख्यमंत्री आवास में श्री अखिलेश यादव जी बुलाए, जो उनके चचा मोहम्मद आजम खां कहते थे उसी बात का पालन करते थे, तो उस बात को हम जनता को बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी है।
और इसलिए बताएंगे कि जिस सपा की सरकार में रोज दंगे और भाजपा की सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं, तो ये तो बताएंगे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है 2017 में आपने कैराना के मुद्दे पर वोट मांगा था, पलायन के मुद्दे पर वोट मांगा था, उसके बाद आपकी सरकार रही है, वापस उस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है उस आरोप पर। तो हमारी सरकार तो ये तो हम बताएंगे कि हमारी सरकार में सब सुरक्षित है, किसी को पलायन नहीं करना पड़ा, जो पलायन करवाने वाले थे उनको पलायन करना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा, उनको सजा भुगतनी पड़ी, तो ये बात हमको बताना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिस मुद्दे पे चुनाव में वोट मांगे थे उस मुद्दे को हमने हल किया है और इसलिए जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमारे साथ है। हम कह रहे थे उस समय बिजली के नाम पर तार तो थे, बिजली नहीं थी, और उसमें बिजली की तारों में 11,000 वोल्ट की तारों में लोग कपड़े सुखाते थे। हमारी सरकार में बिजली मिल रही तो हम कहेंगे, सपा सरकार के समय में सड़क में गड्ढे ही गड्ढे थे, अगर भाजपा सरकार के समय में गांव से लेकर के राजमार्ग तक, राष्ट्रीय राजमार्ग तक, एक्सप्रेसवे तक अगर निर्माण हो रहा है तो वो तो हम मुद्दा रखेंगे ही। हम विकास किए, विकास के मुद्दे भी रखेंगे, हमने सुरक्षा दी है, सुरक्षा के मुद्दे भी रखेंगे, हम सुशासन दिए हैं, सुशासन देंगे, यह भी मुद्दा रखेंगे, हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। हमारी सरकार में जो दंगा करवाने की कोशिश करेगा, जो अपराध करने की कोशिश करेगा, जो जमीन कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे होगी, ये बात तो हम जनता को बताए हैं और आगे भी बताएंगे। लेकिन जो सुर्खियों में तो वो जहरीले बोल आते हैं ना, जनता जब आपको देख और सुन रही है तो सबसे ज्यादा बात हो रही है विवादित बयानों की। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपकी पार्टी की तरफ से, आपके विरोधियों की तरफ से भी जिस तरह का स्टेटमेंट अजय राय की तरफ से आया योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जिस तरह से एक विवादित बयान था, एक हत्या की धमकी के तौर पर उसे देखा जा सकता है, उस बयान पर आप क्या कहेंगे? और सवाल ये है कि जनता का क्या भला हो रहा है इस जहरीले बोल से? देखिए, जो राजनीति में एक बयान देने की एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा होती है, जो सीमा रेखा का उल्लंघन करेगा चुनाव के दौरान, उस पर मुझे लगता है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, उस पर जिनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई करना चाहिए। हमारी पार्टी का कोई नेता, कोई पदाधिकारी, कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलता है। हम वह बात बोलते हैं जो हमने किया है, हम वह बात बोलते हैं जो हम करेंगे आगे आने वाले में, और जो 6 तारीख को हमारा संकल्प पत्र भी आने वाला है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से बताएंगे हमारा अगला रोड मैप क्या है, तो वह सब बताने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ईवीएम मशीन में कमल के फूल की बटन दबा करके देगी। अच्छा, कितनी सीटों का प्रोजेक्शन आपके लिए आज से है, आपके हिसाब से है? 300+ की बात तो आपकी पार्टी लगातार कर रही है। नहीं, हम जो कहते हैं वो परिणाम है, और हम आज 2014 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कहा था हम 60 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे, हमारे 73 सांसद जीत करके यूपी से माननीय प्रधानमंत्री जी सहित आए। 2017 में हम 300 पार की बात करते थे, हमारे गठबंधन के साथ 325 जीत करके आए। 2019 में भी हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे, हमने दावा किया था, हम 64 जीत करके आए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी, प्रियंका मैडम जी, यह सब जो दावा किए उनके दावे में कोई दम ही नहीं है, जो दावा करते हैं उनके दावा कहीं टिकता ही नहीं है। तो जो भाजपा का दावा है, अब श्री अखिलेश यादव जी 400 सीट जीतने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे, लेकिन मैनपुरी की 4 सीटें वो हार रहे हैं, स्वयं उनकी सीट में कमल खिलने जा रहा है, तो वो कहां से 400 जीत रहे हैं? तो आज आप सवाल पूछे कभी मौका मिलेगा? जी, 400 सीट का हमने दावा नहीं किया, हम 300+ का दावा करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, जी न्यूज के इस डिस्कशन में शामिल होने